वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम HDFC बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो HDFC बैंक लिमिटेड स्टॉक 1396 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, 1396 पे फ्राइडे के दिन तकरीबन यहाँ पे अपडेट है कि 1400 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका। 1400 लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है HDFC बैंक स्टॉक के लिए, तो उसके नीचे यहाँ पे अपडेट है कि क्लोजिंग दे चुका है HDFC बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे की ओपनिंग थी 1388, हाई बनाया था 1408 का और लो बनाया था 1372 का। सुबह में ओपन होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1400 लेवल को भी ब्रेकआउट दिया था, पर यहाँ पे ज़्यादा समय ऊपर मीन्स यहाँ पे सेटल नहीं हुआ, तो ब्रेकआउट के नीचे यहाँ पे आप देख सकते पूरा दिन रेजिस्टेंस लेता हुआ रह चुका था HDFC बैंक लिमिटेड स्टॉक। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो लास्ट फ्राइडेज में देख सकते हो 77 पॉइंट की रैली किए, तकरीबन 5.84% अफ है HDFC बैंक स्टॉक। और यहाँ पे 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं 5% गिरावट हो चुके। गिरावट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा बाउंस बैक दिखाया है लास्ट 2-3 डेज में HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ 8,93,000 इक्विटी शेयर अंडर ESOP। वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द बैंक हैज अलॉटेड टुडे 8,93,000 इक्विटी शेयर टू द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक परस्यूट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर द एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द बैंक विल अकॉर्डिंगली इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच टू यहाँ पे आप देख सकते इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 1 ईच। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते शेयर की जो प्राइस है वो भी बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन यहाँ पे 8,93,000 इक्विटी शेयर जो है वो एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे आप देख चुके हैं HDFC बैंक स्टॉक ने भी, ये कौन से ESOC स्कीम के थ्रू। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक का चार्ट भी देखा जाए तो HDFC बैंक लिमिटेड को यहाँ पे आप देख सकते कि 1400 लेवल को ब्रेक करती है HDFC बैंक स्टॉक। तो अगला रजिस्टर यहाँ पे आप देख सकते कि जो ब्लू कलर की लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज और रजिस्टर लगने के चांसेस है। तकरीबन ओवर रेजिस्टेंस तक यहाँ पे आप देख सकते कि 1500 लेवल है, 100 पॉइंट अभी अभी भी यहाँ पे ओवर लेवल, तकरीबन ऐसे आप देख सकते कि ओवर लेवल जल्दी से आ सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते कि HDFC बैंक के यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स भी देखे जाए, जैसे कि मार्केट कैप है 7,74,000 करोड़ के, मार्केट कैप है, पी रेशियो 21.5 का है और यहाँ पे बुक वैल्यू 378 का है, ROCE 6.31, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है, डेब्ट कंपनी के ऊपर 15,11,000 करोड़ का डेब्ट है कंपनी के ऊपर, नेट प्रॉफिट है 36,000 करोड़ का पे नेट प्रॉफिट है थर्ड क्वार्टर तक का, सेल्स भी देख सकते हो कंपनी के 1,32,000 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं, उसमें से 36,000 करोड़ का सेल्स के प्रॉफिट हो चुका है और टोटल एसेट से 17,99,000 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रमोट होल्डिंग बहुत ही कम है 25.8% की। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट HDFC बैंक स्टॉक के लिए।